नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पाउलो फ्रेयर के जो है एजुकेशनल व्यूज के विषय में चल रहा था, इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। सुजाता तिवारी जी का आ रहा था, खुशबू झा जी का आ रहा था, तानिया शर्मा जी का कमेंट्स आ रहा था। तो मैंने जो उन्होंने पेपर बताए हैं उस सिलेबस के हिसाब से मैंने उनको लिंक्स दे दिए हैं। तो दोस्तों, बीएड के लिए कोई एक पर्टिकुलर किताब पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर जगह पे उसका सिलेबस अलग अलग होता है, टाइटल वही होता है लेकिन कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको नोट्स मिल जाते हैं, उसकी थीसिस मिल जाती हैं, तो उसे खाली रीडिंग करिए। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके करिकुलम में मैटर है, उसी मैटर को आप पढ़िए। थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो दोस्तों, जो मैंने लिंक दिया है उसके जो ओरिजिनल लिंक में आप जाएंगे ना, तो ओरिजिनल लिंक में या जो मैंने दिया है वो कॉपी करके अगर गूगल में सर्च मारेंगे, तो अगर आप ओरिजिनल लिंक पर पहुँचते हैं तो जो टॉपिक या जो पेपर आपका है उससे संबंधित सारे PDF उसमें दिए हुए हैं। तो उस PDF को आप डाउनलोड बटन से डाउनलोड करके आप स्वयं पढ़ सकते हो, जो मैंने लिंक शेयर किया है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा था कि जो आपके पास कोई बुक है तो बुक के विषय में बताएं। तो मेरे पास एक बुक है, समकालीन भारत तथा शिक्षा, ये अपना CC5 है, कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये KK भाटिया द्वारा लिखित है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, ये टंडन पब्लिकेशन से छपा हुआ है लुधियाना। तो दोस्तों, ये मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई थी। ज़्यादातर मैं लाइब्रेरी ही रिफ़र करता हूँ, क्योंकि इतना सारे चीज़ें मैं पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो है टंडन पब्लिकेशन लुधियाना, हेड ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस जालंधर है। ये मैंने जहाँ से पिल्लईस कॉलेज चेंबूर से मैंने बीएड किया था उस लाइब्रेरी से मैंने इशू कराया था, क्योंकि अभी वो 2013 में मैंने बीएड किया था तो वो ओल्ड सिलेबस हो गया। अभी सिलेबस चेंज हो गया है तो चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा उसमें बदलाव किया जाता है, कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ी जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पे। आज का हमारा विषय है फ्रेयर्स एजुकेशन व्यूज, टीचिंग टूल्स, शिक्षण उपकरण। इसके पहले हमने एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, शिक्षा के उद्देश्य। तो इसको 7 पॉइंट है, इसे हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ये जो बातचीत और वार्ता का मेथड, डायलॉग मेथड के विषय में बताया गया है, उसी की ये शुरुआत हम कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक शैक्षणिक उपकरण के रूप में वार्ता। जो हम बातचीत करते हैं, जो हम मीटिंग्स करते हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, तो उसमें जो एक दूसरे के अनुभव होते हैं, इस एक दूसरे के सुझाव से कुछ नई चीज़ें बन करके आती हैं। और पाउलो फ्रेयर महोदय ने वार्ता को बहुत हाईलाइट किया था, उस पर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो दोस्तों, जो वार्ता पे उन्होंने बताया है उसका शैक्षणिक व्यू क्या है, शैक्षणिक जो है उसका उपयोग क्या है, उसे हम समझते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला उन्होंने कहा, फ्रेयर ने सीखने की एक विधि के रूप में बातचीत को स्वीकार किया। अगर हमें कुछ सीखना है तो बातचीत, चर्चा करनी पड़ेगी। दुनिया को बदलने के लिए दुनिया के मध्यस्थता के बीच बातचीत करने से क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, कोई बात नहीं, लेकिन विवाद से ही किसी चीज़ का निपटारा होता है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरा है, वार्ता समस्या को प्रस्तुत करने की विधि का प्रमुख उपकरण है। वार्ता जो है, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शैक्षणिक हो, कोई भी समस्या हो, उसे प्रस्तुत करने की एक विधि का एक उपकरण है वार्ता, ऐसा पाउलो फ्रेयर महोदय कहते हैं। यह एक सहकारी गतिविधि है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जिसमें आपसी सम्मान शामिल है, और इसमें शिक्षक
और छात्र दोनों सीखते हैं। जब चर्चा होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी सीखे। उस चर्चा के माध्यम से जो चीज़ें शिक्षक को पता नहीं है वो चर्चा के माध्यम से शिक्षक भी सीखता है। तीसरा है वार्ता, एक दूसरे के साथ बात करने के बजाय। वार्ता क्या है? पाउलो फ्रेयर के अनुसार वार्ता क्या है? एक दूसरे के साथ जो हम बात करते हैं वो वार्ता नहीं है। एक आदमी जब दूसरे आदमी से बात करता है वो वार्ता होती है। चौथा है वार्ता को शिक्षक और छात्र के बीच एक सहसम्मान संबंध की आवश्यकता होती है। वार्ता कैसे होनी चाहिए? एक दूसरे का सम्मान करते हुए वार्ता होनी चाहिए और इसकी शुरुआत छात्रों के अनुभव से शुरू होती है। जो छात्रों ने समाज से, परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से जो अनुभव ग्रहण किया है, जिन चीज़ों को सीखा है, शुरुआत वहीं से होती है वार्ता की। पांचवा है सीखने की प्रक्रिया में प्रतिबिंब और क्रिया। ये पाउलो फ्रेयर महोदय बता रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रतिबिंब और क्रिया, इसको क्या कहा इन्होंने, प्रतिबिंब का मतलब सिद्धांत और क्रिया मतलब व्यवहार। किसी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो पहले सैद्धांतिक तौर पे उसका अध्ययन करते हैं, मतलब किसी चीज़ की परिभाषा होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ उसके महत्व होते हैं, ये उसके जो है सैद्धांतिक चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उस विशेषताओं को उसकी महत्व, उसका जो महत्व है उसे जब व्यवहार में हम लाने लगते हैं तो व्यवहारिक हो जाता है। तो मतलब कि सीखने की प्रतिक्रिया एक प्रतिबिंब है और उसे हम क्रिया के माध्यम से उसे एक्चुअल में व्यवहार में घटित करते हैं के संश्लेषण के रूप में प्रॉक्सिस का जिक्र किया है। इन्होंने एक शब्द जो है प्रॉक्सिस का जिक्र किया है पाउलो फ्रेयर महोदय ने, जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यही इनकी मेथोडोलॉजी का बेस है कि जिसका अर्थ व्यावहारिक तरीके से एक सिद्धांत का उपयोग होता है। प्रॉक्सिस जो शब्द उन्होंने दिया उसका मतलब क्या होता है कि व्यावहारिक तरीके से एक सिद्धांत का उपयोग होता है। प्रॉक्सिस क्या है? समस्या के रूप में प्रस्तुत शिक्षा का लक्ष्य है। यह एक समस्या के रूप में प्रस्तुत शिक्षा का लक्ष्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, कोई ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन वार्ता के माध्यम से ही वो सॉल्व होगा। छठवां उन्होंने बताया यह जटिल गतिविधि से, अगर ये जो बातचीत का क्रम है इससे क्या घटित होता है, व्यक्ति की संस्कृति और समाज बनता है। जब वो बातचीत करता है तो वो संस्कृति को बनाते हैं और संस्कृति के माध्यम से समाज बनता है। गंभीर रूप से जागरूक मनुष्य इस समाज में पनपते हैं। किसके माध्यम से? वार्ता के माध्यम से। वार्ता के माध्यम से पहले व्यक्ति कैसा, व्यक्ति जो है संस्कृति और समाज को बनाता है। संस्कृति समाज जब बन जाते हैं तो गंभीर रूप से वो मनुष्य बनाते हैं जो गूढ़ विचार कर सकता है, डीप नॉलेज जिसे हो। इसमें महत्वपूर्ण चेतना का विकास होता है और इन सब चीज़ों के माध्यम से जब डीप में उसे नॉलेज हो जाता है तो उसके चेतना का विकास होता है। सामाजिक कार्य के साथ गठबंधन करते हैं वो लोग, और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इसमें महत्वपूर्ण चेतना का विकास होता है और सामाजिक कार्य के साथ गठबंधन करना इस चीज़ में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने पाउलो फ्रेयर के एजुकेशनल व्यू में बी पॉइंट टीचिंग टूल्स के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में जो है इसके आगे का पॉइंट आएगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्हें ये ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।